तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाहौर। 3 अप्रैल को जब हम पार्लियामेंट में बैठे हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कुछ जो वहां के रिपोर्टर थे और कुछ मीडिया के पर्सनल थे उनके साथ बैठे हुए थे। रात को 12 बजे अदालत लगाई गई, प्रिजन की गाड़ियां आ गई और कुछ किस मखसूस किस्म की वहां पे नकलो हरकत शुरू हुई। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन मीडिया पर्सनल से कहा कि बताओ कोई रह तो नहीं गया। 3 दफा उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ कोई ऐसा शख्स रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं खान साहब, कोई रह नहीं गया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फरमाया अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि मैं अब अपने अवाम की अदालत में जाऊंगा, अपने अवाम के पास जाऊंगा। अवाम की अदालत आज यहां लाहौर के अंदर यहां पे खड़ी है। वहां पे एक स्क्रिप्ट लिखा गया बैरूनी ताकतों के इमा पर और कौमी गद्दारों के साथ मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखा गया और इस स्क्रिप्ट में कौमी गैरत को खत्म करके, कौमी फॉरन पॉलिसी को खत्म करके और कौमी सालमियत का सौदा करके चंद चोरों को हमारे ऊपर इंपोर्टेड तरीके से मुसल्लत किया गया। शर्म आती है कि जब परसों काबीना का इजलास हुआ तो लगता था कि सेंट्रल जेल में कैदी अपनी हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगा रहे हैं। और अगर इस काबीना की जमानत जब्त हुई तो लगेगा कि अगला काबीना का इजलास इन कौमी चोरों का सेंट्रल जेल के अंदर होगा। इन्हें के अल्फाज हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन पीडीएम वालों तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखा गया, स्क्रिप्ट लिखने वालों को से एक गलती हुई कि एक स्क्रिप्ट ऊपर भी अल्लाह की अदालत में लिखा जा रहा है और वो अल्लाह की अदालत जब लगती है अवाम के जरिए तो अवाम ने फैसला कर लिया कि तुम 22 लोगों को जमीन फरोशी करके खरीद सकते हो मगर 22 करोड़ अवाम को तुम कभी भी नहीं खरीद सकते हो। और इस 22 करोड़ अवाम ने फैसला कर लिया है कि हम 2/3 अक्सरियत से जब भी अवाम की अदालत लगेगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दोबारा हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनवाएंगे। 2/3 अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जितवाओगे, इमरान खान का साथ दोगे, इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान।